हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। टुडे आई एम टीचिंग यू सोशल स्टडीज़ सेकंड चैप्टर द नॉर्थन माउंटेन्स। ठीक है, आज मैं आपको सोशल स्टडी का जो आपका सेकंड लेसन है वो पढ़ाऊंगी। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट लेसन आवर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो किस तरीके से तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसके जो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, आइलैंड्स हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। मतलब कि जो उसकी फिज़िकल डिविज़न्स हैं उसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो भी मैंने आपको बताई थी, जैसे नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो हैं हमारी क्या हैं नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा था। एंड नाउ वी कम टू द सेकंड चैप्टर द नॉर्थन माउंटेन्स। नॉर्थन मतलब उत्तरी, माउंटेन्स मतलब पर्वत। यानी कि अब हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ लेके जो हमारी फिज़िकल डिवीज़न है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके। पीक्स ऑफ हिमालयस, यानी हिमालय की में जो चोटियाँ हैं उसकी पर्वतमालाएँ हैं। सेकंड, हिमालय रीजन, हिमालय का जो क्षेत्र है। इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस, हिमालय की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, हिमालय कैसे उपयोगी है। एंड लाइफ इन नॉर्थन माउंटेन्स, और इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो एज यू नो, जैसा आप जानते हो कि हिमालय जो है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। दिस रेंज लाइज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये रेंज जो है ये उत्तर और उत्तर पूर्व में पाई जाती है, यानी जहाँ जो मैप में हम इंडिया का मैप देखते हैं, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये वाइट आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर, ये जो है हमारी, ये क्या है, ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, दे फॉर्म द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। एक तरीके से वो बाउंड्री लाइन है हमारी कंट्री की। दे एक्सटेंड फॉर्म कश्मीर इन द वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है पश्चिम में, यानी कि पश्चिम में वे कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर। यानी कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर की है। द रेंज दैट फॉल्स इन द कश्मीर इज कॉल्ड द काराकोरम रेंज। और वो रेंज जो कश्मीर में पाई जाती है वो काराकोरम रेंज कहलाती है। यानी अरुणाचल प्रदेश से और कश्मीर तक जो रेंज हमारी जाती है वो काराकोरम रेंज कहलाती है। द हाइस्ट माउंटेन पीक्स इन इंडिया एंड सेकेंड हाइस्ट माउंटेन पीक इन दिस वर्ल्ड इज K2 और माउंटेन गॉडविन आस्टन, विच इज सिचुएटेड इन द काराकोरम रेंज। अब आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड की, इंडिया की सेकंड और वर्ल्ड की सबसे जो ऊंची चोटी है K2, वो इसी रेंज में पाई जाती है, विच इज सिचुएटेड इन द काराकोरम रेंज। ठीक है, इट्स हाइट इज 8611 मीटर्स, और जो इसकी रेंज है, जो इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर की है।
अदर हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालयस आर, और इसी के साथ साथ आप देखिए आपको स्क्रीन पे ये ब्लू कलर का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें जो हमारी हिमालयस की अलग अलग जो माउंटेन पीक्स हैं उनकी हाइट कितनी है और किस किस कंट्री में सिचुएटेड हैं, वो पूरा का पूरा जो है वो डिटेल इसमें दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर है और जो नेपाल में सिचुएटेड है। सेकंड है आपकी कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8,598 मीटर से, जो कि आपकी इंडिया में है। थर्ड है आपकी मकालू, जिसकी हाइट 8,481 मीटर है, ये भी आपकी नेपाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपकी धौलागिरी, इसकी हाइट जो है 8,172 मीटर से और ये भी नेपाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपकी माउंट चोलियू, ये इसकी जो हाइट है 8,153 मीटर और ये भी नेपाल में है। नेक्स्ट है आपकी नंगा पर्वत, इसकी हाइट 8,126 मीटर और जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट अन्नपूर्णा 8,078 मीटर्स जो कि नेपाल में है। और लास्ट का है आपका जो है वो माउंटेन नंदा देवी, जिसकी हाइट 7,817 मीटर्स है और जो कि आपकी इंडिया में सिचुएटेड है। अब जो ये माउंटेन रेंज आप देख रहे हो इसमें, ये इनकी हाइट के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज किए गए हैं, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है तो वो सबसे पहले नंबर पे है, और उसी तरीके से जो नंदा देवी है वो सबसे नीची हाइट में है, इसकी जो रेंज है वो कम है इन सबसे, इसलिए वो सबसे लास्ट में रखी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया है इसमें कि ये जो पर्वत हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, ये किस किस कंट्री में सिचुएटेड हैं। तो आप देख रहे हो कि जो कंचनजंगा है और नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये तीन जो हैं आपके इंडिया में हैं, ठीक है। बाकी ये आपके और जो पर्वत हैं वो आपके कहाँ हैं, नेपाल में, यानी कंचनजंगा और आपका ये नंगा पर्वत, ठीक है, और नंदा देवी, देख रहे हैं ये आपके कहाँ हैं, इंडिया में हैं, ठीक है। बाकी ये और जो आपके माउंटेन्स हैं वो नेपाल में सिचुएटेड हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका द हिमालय रीजन। अब जो हिमालय रीजन है आपके वो थ्री टाइप्स हैं। द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल हिमालयन रेंजेज। हिमालयन रेंजेज का मतलब कि ये तीन समांतर श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के साथ स्थित हैं, ठीक है, लेकिन इनके हाइट के अकॉर्डिंग इनको ग्रेटर, मिडल और लोअर का लोअर रेंज में बांटा गया है, ठीक है। एक साथ ये, जैसे इससे पहले मैप में आपने देखा था, तो ये एक साथ ये तीनों रेंजेस हैं। आगे सीनियर क्लासेस में थोड़ा सा इसको डिटेल में आप पढ़ोगे, अभी तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। तो ये जो हैं हिमालयन रेंज वो थ्री टाइप्स की हैं। फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री रेंज, यानी जो बृहद या विशाल हिमालयाज हैं उसे हम हिमाद्री रेंज बोलते हैं। सेकंड जो मिडिल हिमालयाज है उसे हम हिमाचल रेंज बोलते हैं, और जो थर्ड हमारी लोअर हिमालय है वो शिवालिक रेंज बोली जाती है, ठीक है। तो इसे चाहे आप ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय या लोअर हिमालय कह सकते हैं, या हिमाद्री रेंज, हिमाचल रेंज या शिवालिक रेंज, ऐसे